तो वहां से हमें लगा कि कहीं ना कहीं हमारी गलती है, तो ये एबीएस की प्रीत की सीमन की है जी सर, एचएफ की है तो वो 13 से 14 महीने में आ जाती है। अब लकी बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, हाँ, और ये बुल जो है इसके बगल में ये आप देख रहे हैं ये WWS की डब्ल्यू रेड की बछिया है। अर्डर देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि ये 24 लीटर की गाय होगी, लग रहा है 12-13 लीटर। बिल्कुल बिल्कुल, और अर्डर इसका एकदम छोटा है लेकिन ये फर्स्ट लैक्टेशन में 24 लीटर करी हुई। अगर आप किसी एनिमल को बाहर से लेके आएंगे वो क्या बीमारियां लेके आएगी आपके यहाँ वो नहीं आपको पता होगा, मतलब बच्चे होने के बाद वो रूमन डेवलप होना स्टार्ट होता है तो वो 3 महीने तक डेवलपिंग उसमें रहता है। गाय में कोई कमी नहीं होती है, मेरा मानना जो है वो पूरा की जो कमी होती है वो किसान की तरफ से होती है ना कि गाय। सीमन लगा था WWS का, एक्सेस बुल लगा हुआ था, अभी रात में ये बच्चा दी है। अच्छा, इसी का ये बच्चा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका WWS हंक बुल का है जी। नमस्कार मित्रों, कृषि दर्शन में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक फार्म पर बछिया तैयार करना कितना इंपॉर्टेंट है, इनको किस तरह का फीड दिया जाता है, एक बछिया जो है कितने महीने में तैयार हो जाती है और एक बछिया तैयार करने में क्या कॉस्ट पड़ता है और इस फार्म पर कौन कौन सी ब्रीड की बछिया है उनका क्या जो है रिकॉर्ड है और कितना इसका फर्स्ट लैक्टेशन में मिल्क कैपेसिटी रहने की उम्मीद है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारी जानकारी आप मिस कर सकते हैं। और आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो वहां पर भी जाकर के आप हमारे फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए हम युवा साथी से पूरी की पूरी जानकारी। कीर्तिमान सिंह जी, मेरा डेयरी फार्म धनुष्या डेयरी फार्म जी जी, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में जो है कि हमारा फार्म है जी, नियर अबाउट 10-12 किलोमीटर स्टेशन से हमारी दूरी है जी। और बाकी ये रहा कि ब्रीड पे जो है कि जब मैं इस लाइन में आया था जी, तो सबसे पहले मुझे यही लगा कि जो हमारे हाई यील्डर जैसे कि 20-22 लीटर के जो भी एनिमल थे जी जी, उनके जो बच्चे आते थे वो छोटे आते थे, वो 10 ही लीटर 12 लीटर के जी आते जी थे जी। तो वहां से हमें लगा कि कहीं ना कहीं हमारी गलती है, तो फिर उसको मैंने जब पता किया तो ये हुआ कि नहीं सीमन जो है कि हमें अच्छा लगवाना चाहिए जी जी। तो फिर वहां से फिर हमने अपना कंटेनर लिया और ब्रीड पे वहां से हमने जो है काम करना स्टार्ट किया। अभी अब बच्चे हमारे जो है कि मिल्किंग में आने अभी बाकी है जी जी, तो जिस दिन हमारे बच्चे मिल्किंग में आएंगे फिर वो समझ में आएगा। ये है कि अभी अपने बच्चे आ रहे हैं मिल्किंग में लेकिन वो अच्छे बुल के नहीं है जी, तो वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, नॉर्मल सीमन पहले लगवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हम जो बछिया देख रहे हैं सर, इन इस बछिया के लास्ट वाली साहिवाल नस्ल की जी, इसके बारे में बता दीजिए। ये जो है कि एक HF साहिवाल क्रॉस है हमारे पास, उसको हमने SAG का S34 बुल का ये बछिया है वो सीमन लगाया था, तो उससे ये जो है कि आई है जी जी। तो ये एक ये है कि इसकी मदर क्रॉस में थी तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा प्योरिटी नहीं आ पाई है, लेकिन फिर भी जो है कि S34 के होने के उससे जो है कि काफी अच्छा इसमें जी जी। क्या उम्र हो गया होगा सर? ये अभी 14 महीने की है। SAG 34 की क्या खासियत है सर? SAG S34 जो बुल है उसका जो डैम यील्ड है वो 6400 का है जी जी, और उसमें दूध काफी अच्छा आता है जी जी। तो जो है कि उसका काफी वो काफी माना जाना बुल है, SAG के टॉप में साहिवाल में कभी वो टॉप पे आता था जी जी, तो उसको हमने अपने फार्म पे काफी यूज किया जी जी। तो फर्स्ट बार में क्या उम्मीद करते हैं सर उस बछिया से? इसकी देखिए एक और किसी और गाय से जो है कि S34 की बछिया हमारे पास आ चुकी है, वो अभी 2 लैक्टेशन कर चुकी है, दूसरे लैक्टेशन में वो 16-17 लीटर जो है कि दिन का कर रही है। साहिवाल ना सर? बिल्कुल जो है कि, और तो इसलिए इस बुल का तो मेरे पास जो है कि अच्छा रिकॉर्ड है जी। तो हम मेरे को इस बुल पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट। और ये जर्सी गाय? ये जर्सी हमारी जो है ये ABS की प्रीत की सीमन की है जी, और ये करीब 14 या 15 महीने की हो चुकी है जी जी। एक बार हिट में आई हुआ था लेकिन कंसीव नहीं करी है जी, तो अभी हम वेट करेंगे इसको फिर से। ये आपकी ABS की इंडिवर की बच्चिया है ये जी जी। और इसका उम्र ये भी करीब वही 14 से 15 महीने की हो चुकी है। 14 से 15 महीने की हो गई है? हिट में आई थी सर? हाँ हिट में आई थी एक बार, लेकिन अभी हम लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि फर्स्ट हीट हम लोग अवॉइड कर देते हैं जी जी। और जब दूसरा हीट अगर 21 दिन के बाद आ जाता है तो फिर हम उसको करें। जो ये बछिया है सर, इसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है क्योंकि इसकी मदर को हम लोग कहीं से लेके आए थे, खरीद के लिए आए थे जी जी। तो ये हो गई थी, फीमेल हुई थी अपने यहाँ पे ही जी जी, लेकिन इसका रिकॉर्ड नहीं है हमारा। रिकॉर्ड नहीं है जी। जो भी आपके पास बछिया है सर, सारा का रिकॉर्ड आप रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सारे के रिकॉर्ड रखते हैं। और ये जो गाय है सर? ये गाय अभी
अभी ड्राई पीरियड में चल रही है और इसी को S34 का सीमन लगा था, उधर उसकी एक बच्चा है जी, वो जो 17 लीटर कर रही है जी। ये कौन से बुल की है इसका? ये भी हम ये भी बाहर खरीद से, करके लाए बिल्कुल, ये बाहर से हम इसकी मदर को लेके आए थे जी जी। हाँ तो फिर उसी के साथ ही आई थी। हाँ उसके साथ ही आई थी। और ये भैंस भी रखे हुए हैं जी जी। ये एक भैंस है, ये हम लोगों ने पड़िया खरीद के ले आया था, तो ये अभी थर्ड लैक्टेशन में है। इसको इस बार SM 354 लगा था जी जी, SAG का ही मुर्रा बुल का। और लेकिन जो है कि संजोग हमारा अच्छा नहीं था, जो है कि इसका भी कि जो पड़िया हुई थी वो जो है कि सर्वाइव नहीं। अच्छा डेथ कर। हाँ डेथ कर गई। और फिर ये S34 बुल की एक और ये बच्चिया है, ये इसको सीमन लग चुका है जी जी। हाँ अभी कंफर्मेशन नहीं हुई है जी जी, तो PD हो जाएगी तो फिर देखा जाएगा। ये 16 महीने की अभी 16 महीने की। हाँ। तो आपके यहाँ बच्चिया कितने महीने पर हिट में आ जाती है सर? तो HF की है तो वो 13 से 14 महीने में आ जाती हैं जी जी। और हम लोग HF में तो यूज कर लेते हैं, लेकिन जो है कि 15 महीने अगर साहिवाल है तो उसको 1-2 महीने क्रॉस करा के ही जो है कि करते जी जी। और साहिवाल अगर है तो आपका अगर 18 महीने में भी आ रही है तो भी कभी कभी साहिवाल जो है कि थोड़ा लेट में करती है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और ये बच्चिया सर? ये जर्सी SAG की 50-062 की बच्चिया है ये जी जी। हाँ और इसको भी मुझे लग रहा है कि ये करीब 3-3.5 महीने की इसको जो प्रेग्नेंट हो चुकी है, कंफर्मेशन आ चुका है। इसको WWS का सीमन लगा हुआ है जी जी जी। और माइलो सीमन इसको लगा हुआ जी है जी। तो आप तो WWS का एजेंसी भी लिए हैं सर जी, ऑथराइज डीलर भी हैं, तो आपके यहाँ कुछ रिजल्ट आया WWS का? रिजल्ट अभी देखिए मिल्किंग में हमारे पास काफ उसके काफ देखिए, ये एक बच्चिया है जी जी यहाँ पे, ये मिलर पी बुल की है जी। तो ये जो है कि 14 महीने में सीमन ले ली थी, 14 महीने में जी। और काफी कद काठी में भी जो है बड़ी है सर जी। और ये इस समय करीब 4-4.5 महीने की प्रेग्नेंट है, 4.5 महीना प्रेग्नेंट जी। मैं इसको WWS का मेगा मैन का सेक्शन लगा हुआ है जी जी, तो ये सेक्स सीमन से कंसीव हो गई है जी जी। तो अभी एक ये है WWS का, ये मिलर पी बुल की बच्चिया है जी जी। और इसका मिलर पी में जो है कि एक सिंगल पी है, जिसकी खासियत ये है कि 50% चांस होता है कि उसका हॉर्न ना आए जी जी। और मैं अब लकी बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए जी जी जी। हाँ और ये बुल जो है ये बच्चिया में सीमन डिहॉर्न हमको नहीं कराना पड़ा था, हॉर्न इसका आया नहीं, नेचुरल था एकदम जी बिल्कुल। तो इससे क्या फर्स्ट बार उम्मीद करते हैं सर? सर इसके मेरी जो है कि 30+ की फर्स्ट लैक्टेशन में इससे मेरी को उम्मीद रहेगी। 30+ जी। माँ का क्या रिकॉर्ड था सर? माँ का रिकॉर्ड सर फर्स्ट में वो 22 तक गई थी जी जी। और सेकंड में भी जो है कि जब बच्चा करी तो वो एक हफ्ते के अंदर अंदर 26+ हो गई थी जी जी। लेकिन फिर उसके बाद उसको किटोसिस हुआ जी, उस वजह से फिर वो डाउन हो गई। ये हम जो गाय देख रहे हैं सर, इस गाय के बारे में बता दीजिए। ये एक जो है कि इसके इसकी मदर जो थी वो जर्सी साहिवाल क्रॉस थी जी जी। और उसको हमने जो है कि SAG का 40-116 बुल था वो सीमन लगाया हुआ था। तो ये अभी लगभग 3-3.5 महीने की बच्चा दी हुई है जी जी। और इसका रिकॉर्ड जो है कि मिल्किंग में 17-18 के लमसम में चल रहा है, फर्स्ट लैक्टेशन में है ये। सेकंड में क्या उम्मीद करते हैं सर इससे? सेकंड में इसको जो है कि 20+ तो जाना ही जाना चाहिए जी जी, 20+ चली जाएगी बिल्कुल बिल्कुल। और इधर जो बच्चे आए हुए हैं सर, इन बच्चों का ये जो बच्चा है ये ABS के मैक्सिमम बुल की है जी जी। फर्स्ट लैक्टेशन में 22 लीटर करी हुई है दिन भर में आपके फार्म पर जी, हमारे फार्म पे। अब ये इस बार सेकंड लैक्टेशन में जा रही है जी जी। इसके बगल में ये आप देख रहे हैं, ये WWS की डब्ले रेड की बच्चिया है जी, जो अभी आप मिलर पी देखे हैं उसी की बहन है ये। अच्छा उसी की बहन है जी। तो क्या उम्र होगा सर इसका? ये अभी 6 महीने की हुई है, 6 महीने की जी, 6 महीने की है ये अभी जी जी। और डब्ले रेड जो है कि इसके बुल का वो था। क्या उसका रिकॉर्ड है सर? डब्ले रेड का देखना पड़ेगा एक बार, मैं भूल रहा हूँ। और वो बच्चिया उसके बगल में ये है SAG की HF 168 की बच्चिया जी जी, जो वो भी एक माना जाना जो है कि बुल है जी। तो ये
जो इसकी जो मदर का रिकॉर्ड है वो 28 लीटर का है जी, तो इससे भी काफी अच्छी उम्मीद है हमको जी। 149 की बच्चिया है जी। इसका सबसे अच्छा जो मेरे को लगता है अडर कॉम्पैक्टनेस, ये आप अडर देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि ये 24 लीटर की गाय होगी, लग रहा है 12-13 लीटर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अडर इसका एकदम छोटा है, लेकिन ये फर्स्ट लैक्टेशन में 24 लीटर करी हुई है। फर्स्ट 24 लीटर जी, बिल्कुल। प्रेग्नेंट हो चुकी है सर? जी प्रेग्नेंट हो चुकी है, ये 3.5 महीने की जो है की हो चुकी है, तो ये हो गई है। फिर ये इधर देख रहे हैं, ये 40116 की बच्चिया है, एसएजी का जी बिल्कुल। जो पीछे डब्बे और मिलर पी देखे हैं, इसने 2 लैक्टेशन करे हैं, दोनों में ही WWS की फीमेल बच्चिया दी हुई जी। इसने फर्स्ट लैक्टेशन में जो है कि ये 22 लीटर करी, सेकंड में इसको दिक्कत हो गई, 26 एक हफ्ते में 26 लीटर जाके फिर ये डाउन हो गई जी जी। तो इसका भी काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। तो एक बच्चिया तैयार करने में क्या खर्च पड़ जाता होगा सर? सर लगभग एक बच्चे को तैयार करने का अगर आप देखिए, वो पूरा जिस दिन से जन्म होता है, जन्म क्या जिस दिन से सीमन लगता है और तब से लेके और उसको काल्विंग तक में नियर अबाउट अगर आप एक अच्छी बच्चिया तैयार कर रहे हैं तो करीब 60-70 हजार के लमसम का खर्चा। उतना में तो आप गाय खरीद सकते हैं, फिर बच्चिया क्यों तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल खरीद सकते हैं, लेकिन जो है कि पहली बात तो आप 60-70 हजार में गाय खरीद सकते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं पता होगा उसके बारे में कि उसका जो है कि पेरेंटल रिकॉर्ड क्या है, कि उसके फादर कौन है, मदर कौन है जी जी। और जो है कि जो आप अपने यहाँ तैयार करेंगे, बच्चे अपने यहाँ से बढ़ के उसका आप हर एक चीज जानते होंगे कि वो कैसा खाती है, क्या नेचर है, क्या नहीं है जी जी। अगर आप किसी एनिमल को बाहर से लेके आएंगे, वो क्या बीमारियां लेके आएगी आपके यहाँ, वो नहीं आपको पता होगा जी। और क्या उसका रिकॉर्ड है, वो भी आपको नहीं पता होगा जी। कितने दिन दूध अच्छा करेगी या कितने जल्दी वो डाउन हो जाएगी, वो आप कुछ नहीं कह सकते हैं। तो अपना ही होता है, तो उसमें आपको जो है कि जब भी होगा तो आप एक अच्छी चीज तैयार करेंगे। आप 60-70 हजार में 1-1.5 लाख की चीज तैयार करेंगे और 60-70 हजार में कहीं ना कहीं आप लेके आओगे तो वो उससे कम की ही वैल्यू की होगी जी। तो जो इन लोगों का खान पान है सर, वो थोड़ा बता दीजिए, जन्म से लेकर के और जब तक प्रेग्नेंट हो जाती है तब तक कैसे कैसे इन लोगों का फूड मैनेजमेंट? जन्म से देखिए, पहले 3 महीने तक तो हम लोग इनको बॉडी वेट के हिसाब से दूध देते हैं जी जी। और फिर उसके बाद जो है कि 3 महीना जैसे ही बीतता है जी, तो फिर काफ स्टार्टर हम लोग यूज करते हैं जी जी। तो पहले तो मैं नहीं यूज करता था, लेकिन अब जो है कि काफ स्टार्टर हम लोग यूज करने लगे हैं बच्चों पे। हाँ हाँ। और काफ स्टार्टर के बाद जब 6 महीने हो जाते हैं तो फिर उसको जो है कि काफ ग्रोअर पे ले आते जी जी। तो दूध कितना पिलाते हैं सर एक दिन का? बॉडी वेट के हिसाब से है लगभग, जो है कि अगर कोई सपोज कोई भी एनिमल 50 kg का है तो वो 10% बॉडी वेट के हिसाब से जी जी हम लोग देते हैं उसको 10%। हाँ। और काफ स्टार्टर कितने दिन के बाद देना, उसके सामने रखना शुरू करते हैं? काफ स्टार्टर तो देखिए 1.5 से 2 महीने के बाद ही उसको हम जो है कि उसके सामने रखना स्टार्ट करते हैं, वो धीरे धीरे चाटते चाटते जो है जी जी वो शुरू कर देती है। तो 3 महीने में वो लेने लगती है, जैसे ही वो जो है कि 1-1.5 किलो उठाने लगती है वैसे ही हम उसका दूध बंद करके काफ स्टार्टर पे फुल्ली ले आते जी जी। और भूसा वूसा कब से देना शुरू करते हैं? भूसा 3 महीने के बाद से। 3 महीने के पहले देने से क्या प्रॉब्लम हो? देखिये ये इनका जो रूमेन जो होता है, जो इनके पेट के 4 पार्ट होते हैं जी जी, तो जो रूमेन होता है वो आपका जो है कि कोई भी बच्चा होता है वो 3 महीने के बाद से डेवलप होता है जी जी। वो फुली जो डेवलप होता है वो मतलब बच्चे होने के बाद वो रूमेन डेवलप होना स्टार्ट होता है, तो वो 3 महीने तक डेवलपिंग उसमें रहता है जी जी। तो 3 महीने के बाद वो जब फुली डेवलप हो जाता है तभी हमको उसको जो है कि कुछ भी भूसा वगैरह या ऐसे ग्रीन वगैरह देना जी जी। डिवॉर्मिंग कैसे कराते हैं सर? डिवॉर्मिंग जन्म किसके बाद से? जब डिवॉर्मिंग का ये है कि जब बच्चा हो जाता है तो उसके 10 दिन बाद हम पहले उसके डिवॉर्मिंग कराते हैं, फिर अगले 1 महीने में 2 डिवॉर्मिंग, यानी 10 दिन के बाद पहली डिवॉर्मिंग जी जी, अगले 15 दिन पे दूसरी डिवॉर्मिंग, अगले 15 दिन पे तीसरी डिवॉर्मिंग जी जी, फिर उसके बाद 6 महीने तक 1-1 महीने पे चलेगा डिवॉर्मिंग जी, और उसके बाद 6 महीने के बाद आप 3-3 महीने पे उसको कंटिन्यू करिए जी। और HF गायों में एक समस्या होता है सर कि सीमन दिया जाता है, जल्दी कंसीव नहीं कर पाती है, रिपीट करती है, उसके पीछे गाय में कमी रहता है या किसानों में कमी रहता है या सीमन में कमी रहता है? देखिए कंसीव ना करने का बहुत सारा फैक्ट है, एक ही फैक्ट नहीं है। अगर आप किसी एक फैक्ट पे चले जाएंगे, अगर कोई गाय नहीं कंसीव कर रही है तो हमें स्टेप बाय स्टेप पे उसको जाना चाहिए जी जी, कि उसका क्या है। सबसे पहली बात कि आप उसको न्यूट्रिशन उसका चेक करिए कि उसका न्यूट्रिशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं जी जी जी।
और जो हम सीमन लगा रहे हैं वो सीमन जो है कि आपको देखना चाहिए कि वो सीमन अच्छा है कि नहीं। अगर आप अपने यहाँ सीमन रख रहे हैं, अगर हर गाय में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आ रही है तो आप एक बार जो है कि नया लॉट का सीमन मंगा के देखिए कि नया लॉट में जो है कि सीमन से क्या रिजल्ट आ रहा है। जी जी। और फिर उसके बाद सबसे मेन ये भी है कि जो सीमन लगा रहा है वो भी आप थोड़ा देखिए कि वो सीमन कैसा लगाता है, उसका रिजल्ट क्या है, क्योंकि सीमन सही जगह और सही टाइमिंग पे भी जो है कि वो करना, वो भी सबसे बड़ा मेन एक फैक्टर है। जी जी। तो जहां तक मेरे हिसाब से है कि गाय में कोई कमी नहीं होती है, मेरा मानना जो है वो पूरा कि जो कमी होती है वो किसान की तरफ से होती है, ना कि गाय की तरफ से। जी जी। और कैल्शियम की पूर्ति कैसे करते हैं सर मिल्किंग वाली गायों का? मिल्किंग वाली गायों का कैल्शियम हम उनको जो है कि अलग से भी देते हैं, और जो है कि हर 15-15 दिन पे जो है कि उनको कैल्शियम, और कुछ जो है कि कुछ ऐसी है तो जो ड्राई पीरियड में उनको कैल्शियम की तो बिल्कुल जरूरत नहीं। जी जी जी। जो मिल्किंग में है उनको हम जो है कि कैल्शियम मंगा के हर 15-15 दिन पे जी उनको यूज करते हैं। और ये सामने हम गाय देख रहे हैं, जर्सी की गाय है सर, इस गाय के बारे में आपके फार्म की है या खरीद कर लाए हैं? ये है तो हमारे फार्म की है, लेकिन ये स्टार्टिंग में जब हम नॉर्मल सीमन मंगाते थे वो सीमन की बच्चिया है। जी जी। तो इसको सीमन लगा था WWS का, एक्सेस बुल लगा हुआ था, अभी रात में ये बच्चा दी है। अच्छा, इसी का ये बच्चा? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है, तो WWS का था, सिक्स सीमन लगाए थे या नॉर्मल? नहीं, कन्वेंशनल इसको लगा हुआ था। जी जी जी। इधर जो है कि ये WWS का है, एक्सेस बुल का जर्सी का, और ये आपका WWS हंक बुल का है जी, ये अभी 15 दिन का बच्चा है, मात्र 15 दिन जी का। बिल्कुल। और वो बच्ची हम देख रहे हैं सर, वो बच्ची अभी 4 दिन पहले हुई है, ये ABS के फायर बुल की है। जी जी। हाँ, तो ये अभी 4 दिन की हुई है। और वो गाय घर की है या ये घर की ही है? जी जी। हाँ, लेकिन इसका रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। ये काफी अच्छी गाय, ये हमारे यहाँ 28 लीटर तक करती है। जी जी। ये 28 लीटर तक कर चुकी है। जी, जी। उधर आपने HF 168 देखा है बच्चा? हाँ, वो इसी का बच्चा है। तो बहुत सारे लोग सर ब्रीड पर कार्य नहीं करते हैं, बोलते हैं कि एक फार्म पर बच्चिया जितना में तैयार कर लेंगे उतना में हम गाय खरीद लेंगे, वैसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो अगर जो सोचते हैं कि हम उतने में बच्चिया खरीद लेंगे तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि आप 60-70 हजार में केवल 60-70 हजार की ही चीज लेके आएंगे। जी जी। अगर आप अपनी बच्चे तैयार करेंगे तो 60-70 हजार में आप 1-1.5 लाख की चीजें तैयार करेंगे। जी जी। और जो आपके यहाँ जो चीज तैयार होगी वो अलग ही होगा, वो आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। जी जी। और आपको अपने आप पे खुद गर्व लगेगा कि जो है कि हाँ ये हमने इसको किया है। तो आपके फार्म पर मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक बताइएगा सर कि कितने लीटर से कितने लीटर वाली गाय है? मिनिमम देखिए, अभी तो हमारे पास मिनिमम में 16 लीटर है जी, और मैक्सिमम में 35। हाँ, इन फ्यूचर क्या प्लान किए हैं सर अपनी गायों को ले जाना है? सर देखिए, ऐसा है कि इन फ्यूचर अभी हम जो है कि कितना लीटर तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही। जी जी। और लेकिन अभी जो हमारा जो मिनिमम वाला आंकड़ा है जी, जो 16 लीटर है, हम उसको ये चाहते हैं कि वो जो भी गाय है वो हमारी सारी 25+ की हो जाए। 25+ फर्स्ट लैक्टेशन जी। बिल्कुल। तो वहाँ अब हमें अभी बहुत ज्यादा हाई के बारे में नहीं सोचना है। तो अगर कोई ब्रीड पर कार्य करना चाहता है सर, उनके पास 16 से 18 लीटर वाली गाय या 15 लीटर दूध देने वाली गाय हो, हाँ, तो कैसे वो ब्रीडिंग पर ब्रीडिंग स्टार्ट करे वो थोड़ा बता दीजिए। ब्रीडिंग के लिए देखिए, अभी अगर आपके पास 15-16 लीटर की कोई भी गाय है तो आप उसको जो है, पहली बात तो आप क्रॉस ब्रीड बिल्कुल क्रॉस बिल्कुल मत करिए। अगर वो आप देख लीजिए कि अगर उसमें जर्सी का परसेंटेज ज्यादा है तो आप जर्सी यूज करिए, HF का परसेंटेज ज्यादा है तो HF यूज करिए। और HF में जैसे ये है कि आप पहले, अभी अगर आपके पास 15-16 लीटर की कोई भी गाय है जी जी, तो आप बहुत ज्यादा उस पर ये नहीं है कि हमें पहले ही उसको 19,000 या 18,000 यील्ड का सीमन लगाना है जी। आप जी, पहले ही वो जो आपके पास है वो 5,000-6,000 यील्ड की ही गाय है जी जी, तो आप उसको जो है कि 10,000-12,000 यील्ड का भी अगर आप जो है कि सीमन लगाएंगे तो भी आपका जो है कि वो कुछ ना कुछ प्लस होके ही आएगा। तो आप बहुत ज्यादा ना सोच के पहले एक इनिशिएटिव लीजिए कि हम जो है कि सीमन अपना यूज करेंगे जी। जब आप अपना सीमन यूज करना स्टार्ट करेंगे, अगर आप 10,000-12,000 का भी यूज करते हैं तो भी जो है कि दूध बढ़ के आएगा, तो वहां से आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं हमें अब कुछ और अच्छा करना चाहिए जी। तो फिर उसके बाद आप जो है कि और फिर हायर उसमें जाइए। तो चलिए, इतनी व्यस्तता रहते हुए सर, इतना बहुमूल्य जानकारी, बहुमूल्य समय और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे मित्रों के साथ साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।